Welcome to Time News Studios. You are watching 12 a.m. Bulletin. इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है। 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। पीडीएम ने ये फैसला किया है कि सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। पीडीएम 26 मार्च से लॉन्ग मार्च जो ऐलान कर छोड़ो। सेनेट चूंडू गडियल तौर वेहण जो फैसलो। इस्तीफाउन ए बेतमादी रिथ वा मामला सेनेट चूंडन तीन मुलतवी। इजलास बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे मौलाना फजलुर रहमान है तो 26 मार्च से सजे मुल्क में काफिला इस्लामाबाद दा रवाना थींदा। पीडीएम में शामिल पार्टीज सेनेट चूंडन में एक बे खिलाफ उम्मीदवार न बिहारी। हुकूमत के सेनेट चूंडन बाबत तरमीमी बिल ए ब्रॉडशीट कमीशन के रद्द क्यों था। फॉरन फंडिंग केस में इंसाफ जो घुर्जू पूरी थी तो इमरान खान नाअहल थी वो। लॉन्ग मार्च केतरा डी जारी रहंदो। सहाफी जो मरियम नवाज का सवाल। मरियम नवाज चयो तो लॉन्ग मार्च जो वक्त जानने ला इंतजार करो। इन भेरे गडियल तौर धरणो हणंदी। बेतमादी रिथ से गाल जारी आहिन। उस्मान बोजदार के छो हटायूं। संदस मौजूदगी में चूंडियल ए जाली हुकूमत के फर्क जो पतो पवंदो रहंदो। क्या बिलावल साहब आपको कायल करने में नाकाम रहे? आप तकरीर न करें, मैं जरा आपको जवाब देता हूं। तकरीर करना मेरा काम है। क्यों बताएं? इंतजार फरमाएं। आप में जितना हौसला होगा इतना हम उसका हमारा हौसला बहुत ज्यादा है। आपके हौसले का उसमें आपके हौसले का इम्तिहान लिया जाएगा। शाह बिलावल अपोजिशन पार्टीज के बेतमादी रिथ बाबत राजी न कर सको। मौलाना फजलुर रहमान खान सहाफी जो सवाल। फजलुर रहमान जवाब दिनों तो अवं तकरीर न करो, यो असान जो कम है। फजलुर रहमान के जवाब से टहकड़ा मची वया। एक बे ते करप्शन जा केसेस ठाहींदड़ ए रस्तन ते गिहलण जा ऐलान कदड़ हाँ गडजी सेनेट चूंडू विढ़ंदा। वफाकी वजीर शिबली फराज जो पीडीएम के लॉन्ग मार्च वे ऐलान से रद्द अमल। ट्वीट बयान में शिबली फराज है तो साबित थो तो फुरलुट ए इकतदार लाए ही सब एक। सेनेटर फैसल जावेद पीडीएम के लॉन्ग मार्च वे ऐलान से भलीकार कदे है तो कंटेनर हाजिर है। अपोजिशन वा कुछ भी कन इमरान खान खेन एनआरओ न ी। राजा साहब ऐसे नहीं होगा, फिर ये नहीं बोल सकेंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है ना राजा साहब। नॉनसेंस नहीं चलेगा तो फिर नहीं चलेगा ना चले। यहाँ पे दो चार लोग ऐसे आ गए हैं जो कि सरगोधा वगैरह में ट्रक वगैरह चलाते थे और इस तरह से फाड़ फाड़ के जो है वो फेंक रहे हैं। और एक साहब ने तो ये किया है कि उसने अपना जूता उतार के लहराया है, यानी इसको अपने घर में किसी ने तमीज नहीं सिखाई। आपका किरदार ये है कि आप हमें इंस्टिगेट करते हैं, हमारे लोगों के गले पर नारे ना लगाए, नारे ना लगाए। असल हकीकत यह है कि ये डेस्क बजाने वाले भी जो है वोट दूसरी तरफ देना चाहते हैं। हमसे लोग कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, हमें इन्होंने बताया है कि हम डेस्क बजाते रहेंगे लेकिन हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए मैं आपको एक्सपोज कर रहा हूँ। आपने एक सीनियर मोस्ट मेंबर को आकर गालियां दी। अगर आप में वाकई इंसानियत है तो कम अज कम आप नवीद कमर से जरूर माफी मांगे। कौमी असेंबली के इजलास दौरान अपोजिशन ए हुकूमती मेंबर्स हथे पेजी वया। अपोजिशन मेंबर्स तरफा स्पीकर जी डाइस जो घेराव ए नारेबाजी। हुकूमती वजीरन के खिताब दौरान अपोजिशन मेंबर्स जो सीटियों ए डेस्क वजाए गोड। परदेही वजीर शाह महमूद कुरैशी चयो तो असांखे गालहाइण न दिनो वियो तो अपोजिशन मां बि केर न गालहाए सघंदो। ही समझन था तो हाउस के बिल्डोज कंदा तो ये न करण दींदासीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी चयो तो अपोजिशन के एक मेंबर ऐवान में जूतो लहरायो। शाजिया मरी चोरन जा बैनर्स नवाज लीग मेंबर्स के दई छड़िया। चोरन के चयो तो चोरी खिलाफ बैनर्स लहरायो।
पीपल्स पार्टी एम एन ए राजा परवेज अशरफ भी हुकूमती मेंबर्स से तेज थी वो। राजा परवेज अशरफ चयो तो हुकूमती मेंबर्स अपोजिशन के भड़काने की कोशिश कर रहा है। नवीद कमर के गारू डींदड़ हुकूमती मेंबर में इंसानियत है तो खांस माफी वे। मुल्क के मुनज़म तरीके से तबाह कर पे वे मीडिया तबाह थी है तो मुल्क तबाह थी वो है। जस्टिस काजी फायज ईसा जा सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती चूंडन बाबत केस से रिमार्क्स। जस्टिस काजी फायज ईसा चयो तो हर मुखालिफ के गद्दार ए हुकूमती हामी के मुहिबे वतन सजो वे तो। अटॉर्नी जनरल चयो तो मुल्क जंगी हालत में है। जस्टिस मकबूल बाकर रिमार्क्स दींदे चयो तो मुल्क में वाकई जंग जारी है पर यह जंग अवाम खिलाफ़ है। जजिस के अड़न गालन ते एतराज़ करण घुर्जे पर छा करियो मुल्क में आइडियल सूरत हाल ना है। केस तई खामोश में रहंदासी। जस्टिस काजी फायज ईसा चयो तो पंजाब सरकार बल्दियाती हुकूमत के खत्म करे आइन की भनेकड़ी कई। छा पंजाब की हालत ओभर पाकिस्तान जड़ी करनी है। जमहूरियत वही तो अध मुल्क भी हलो वो हो। मानू एमपीएफ के वोट उन पार्टी से वास्ते सबब दींदा। पार्टी खिलाफ़ वोट दियण अवामी एतमाद के छीहो रसायण बराबर है। सुप्रीम कोर्ट जा सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट जरिए कराने बाबत सदारती रेफरेंस से बुधणी दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल दलील दींदे तो इक़्तदार में आयल पार्टी चूंडन दौरान कल वायदा पूरा करण की गाल कंदा। सेनेट में अक्सरियत न हो तो वायदा किए पूरा थींदा। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रिमार्क्स दींदे तो सियासी पार्टीज में भी डिक्टेटर वेठल। सियासी पार्टीज में जमहूरियत होजन घुर्जे। पाकिस्तान में तकरीबन सबूर पार्टीज वन मैन पार्टीज हैं। फैसले का अग असेंबली मेंबर के पार्टी में पंजी राय दियण घुर्जे। मुल्क में सियासी जमातू पार्टी सरबराह के नाले से हलंद। जस्टिस एजाज उल अहसन रिमार्क्स दींदे तो सियासी पार्टीज में भी चेक एंड बैलेंस होजन घुर्जे। जैसी असेंबली में अक्सरियत होजे उनके सेनेट में अक्सरियत हासिल करण का रोकण तबाही आनीदड़ अमल है। नशे में गाड़ी तो हलाई। कराची में पुलिस से असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन अनीस के गिरफ्तार करे वरतो। पुलिस मूजिब गाड़ी रोकने से असिस्टेंट कमिश्नर अहलकारन से मुहमारी कई। मोहसिन अनीस नशे की हालत में हो। साणस गड मुलाजिम भी होश में न हो। बिन्हीं के गिरफ्तार करने बाद मेडिकल कराया वो है। पीर गोठ में नंढी उम्र में शादी तां पुलिस हिरासत बाद फौत थियल घोट अयाज फुलपोटो जो मामलो चंगन मुड़सन की मुदाखलत से लय मिटी। पुलिस ए फोती नींगर के वारिसन में ठाव थी वो। नींगर के वालिद है तो एस एस पी खैरपुर इंसाफ की खातरी कराई है। एस एस पी जो चवण है तो नींगर के फौत थियण वाले वाकये से दुख है। जांच बाद डोह साबित थियण से पुलिस अमलदारन के सजा जरूर मिली। सफला कॉलेज उस्तादन जा मुतालबा मंजूर न थियण से 4 मार्च का तहरीक हलायण जो ऐलान कर छो। 18 मार्च से सीएम हाउस आडो धरनो हणण जो फैसलो। पधराई में चयो वियो है तो तहरीक जो फैसलो गडियल इजलास दौरान कयो वियो। 4 मार्च से हैदराबाद में भी धरने जो ऐलान। सफला पारा 400 लेक्चरर्स जो नोटिफिकेशन ए एसोसिएट प्रोफेसर्स की मुकररी जा ऑर्डर्स जल्द जारी करण जो मुतालबो। आए पनवाखिल में निंगरी से ज्यादती मामले जो जर्गो कदर सरपंच खिलाफ केस दाखिल करण जो हुकुम। गुजर ढी इमदाद समय जो निंगरी अफसाना समय जो ज्यादती मामले जो जर्गो करे इल्ज़ाम हटायल जुर ते 10 लख रुपये की फतवा बुधाई हुई। टाइम न्यूज़ से खबर नशर थियण बाद पुलिस इख्तियार नोटिस वरतो। एस एस पी सखर पारा जर्गो कदर सरपंच खिलाफ FIR दाखिल करण की हिदायत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में आपके भलीकार चाहूँ था। मैं आया महताब अली नूर। हेडलाइंस हमारे थी तफ़सीली खबरों से गॾु हाज़िर थियूं था। शॉर्ट ब्रेक।